जुल्म के ये ज़ाबते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाबते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाबते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाबते हम नहीं मानते। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم آئی رے سدرا حضور جانتے ہیں حدود آئی رے سدرا تمام دہر کا
नक्शा हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये बोले यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। शफात करेंगे चुन चुन कर बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर कि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। अफसाने हयात के अनवान बदल गए आया याद मदीना अरमान मचल गए आया याद मदीना उनके जमाल पाक की फूटी जो एक किरण दो जहां ही नूर के सांचे में ढल गए के मेरे हबीब ने रखे जहां जहां कदम जन्नत जमी बन गई पत्थर पिघल गए जन्नत जमीन बन गई। जिसने बचाया खलक को दोज़ख की आग से अफसोस उसकी आल के खैमे भी जल गए अफसोस उसकी आल के खैमे भी जल गए। अफसाने हयात के
अनवान बदल गए, आया याद मदीना तो अरमान मच गए। जनरल इंजीनियर अम्मार फारूक का बेटा अम्मार फारूक इस सारे पानी से हालत में रुखसत हुआ कि इसके बाद माँ और दादी की गिरफ्तारी के लिए घर पर जा बजा पेड़ किए गए और खौफ की वजह से अम्मार फारूक कम से कम बच्चा आकर दिमागी तवाजुन खो बैठा। पुराने इलाज बाप मियाँ अम्मार फारूक को बच्चे से ना मिलना देने दिया गया। इस कम से कम बच्चे की बफार तो एक मौलवी साझा है। मैं बतौर पाकिस्तानी शर्मिंदा हूँ कि मैं इस मजलूम बच्चे के हक में वो आवाज ना उठा सका जो मुझे उस वक्त उठानी चाहिए, क्योंकि तब उसका वालिद मिलिट्री कस्टडी में था जिसकी वजह से उसको अपने बेटे से ना मिलने दिया गया। जो रियाती जबर इस मुल्क के आवाज के साथ दबा रखा जा रहा है वो गैर आईनी काम है और इंसानी बुनियादी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। मैं इस सवाल के तवज्जो से मुतालबा करता हूँ कि रियाती जबर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी फौरन बंद की जाए। ये कि मौजूदा निगरान हकूमत आईन के मुताबिक रोजमर्रा के मामला देखने और गैर जानबा इलेक्शन करवाने की जिम्मेदार है। आज तक किसी इदारे ने भी आईन के मुताबिक इलेक्शन करवाने की ना तो तारीख जारी की है जो कि आईन पाकिस्तान की रूह के खिलाफ है, और जो भी हिम्मत आराम है चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो सदर पाकिस्तान है, चाहे वो कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, चाहे वो निगरान सेटअप है, उन सब के खिलाफ आईन का और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर अमल दरामद करवाने के लिए ये नमाज बदरिया कबीना और हाईकोर्ट बार अपनी भरपूर कोशिश करें ताकि इस मुल्क में जमहूरी निजाम बहाल हो सके। लेकिन निगरान हुकूमत ने आवाम पर जुल्म करते हुए जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपना इजाफा कर दिया है, जो इस मुल्क की आवाम के साथ जुल्म है जिससे महंगाई में होशुमा इजाफा हुआ है और आवाम रोटी खाने से भी तंग है, मैं इस आवाम के रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।